तो सुना होगा में आज हो रहा है महामुकाबला। बीच बाजार में पूरा बगदाद इकट्ठा हुआ है। हर कोई इस मुकाबले में बगदाद का हर ताकतवर मर्द हिस्सा लेना चाहता है। दरअसल महाराज के कहने पर कुश्ती का मुकाबला रखवाया गया है और इस मुकाबले में जो जीतेगा उसे महल की रक्षा करने वाले सिपाहियों की टुकड़ी में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से अलादीन भी इस मुकाबले में अपनी ताकत आजमाना चाहता है। अलादीन नाम तो सुना होगा, तुम्हें डर तो नहीं लगा? अरे जीनो, ना तलवार की धार से ना कीलों की बौछार से अलादीन डरता है तो बस चप्पलों के मार से, परवरदिगार से। और मेरा परवरदिगार से मेरी मम्मी। आपको बता दें कि कुश्ती के मैदान उतरने का फैसला अलादीन ने राजकुमारी के लिए लिया है, ताकि महल का सिपाही बनकर अलादीन को राजकुमारी यास्मीन के करीब आने का मौका भी मिल जाए। अलादीन को इस मुकाबले में जिताने के लिए जिनी ने अलादीन को एक जानी बख्तर भी दिया है, जिसे पहनकर अलादीन शत प्रतिशत ये मुकाबला जीत जाएंगे। ये बचाने के लिए मेरे पास तो ये बल बचाएगा। ओहो, एक जाने बख्तर ही तो था अलादीन का सहारा, लेकिन किसी ने वो भी चुरा लिया। चलिए जिनी से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। अलादीन भी आया हुआ है, यास्मीन के पास जाना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं इस चाहता है कि इस मुकाबले में जीत जाए और इस मुकाबले को जीत के वो महल का रखवाला बन जाए, उस सेना की एक टुकड़ी में कहीं ना कहीं वो लग जाए। अब उसमें मदद करता है जिनी एक जिरे बख्तर देके, यानी कि एक तरीके का एक सेफगार्ड देके, एक बॉडी आर्मर देके। बट गुल्लू कमबख्त है। गुल्लू ने क्या किया, गुलबदन ने क्या किया, उसने उस जिरे बख्तर को चुरा लिया और चुरा के ये भाई साहब पहुंच गए और इसके बैग में रखवा दिया गया एक कंबल, और कंबल जैसे बाहर निकला, अरे जिरे बख्तर कहाँ है। ये है पूरी कहानी। गुलबदन ने अलादीन का जाने बख्तर चुरा लिया है, वही मुकाबले के लिए अलादीन का नाम का ऐलान भी हो गया है। तो जिनी अब क्या होगा, क्या अलादीन बिना जादुई शील्ड के ये मुकाबला जीत पाएंगे? अम्मी की दुआएं और जिनी का प्यार और जिनी के सारी जादू की ताकत मिला के अलादीन को जिता तो देंगी, तो कहीं ना कहीं वो अपनी पूरी मशक्कत करते रहेंगे, जीतते रहेंगे और बाकी तो आप एपिसोड देखते रहेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। भाई जिनी ने कहा है तो हमें भी पूरा भरोसा है कि अलादीन अपनी हिम्मत और बहादुरी से ये मुकाबला जीत ही जाएंगे। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट, E24।